सो फाइनली गाइस हमारी टीम इंडिया भाई फाइनल में पहुंच चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस न्यूजीलैंड को हराए बाद अपनी टीम भाई फाइनल में पहुंच चुकी है। बस हमें एक ही गेम विन करना है, कौन सा फाइनल वाला, और वो पता चल जाएगा आप लोगों को आज किसके साथ अपना फाइनल होने वाला है। और मैंने समझा भाई चलो आज अपनी टीम इंडिया विन कर लिया, मतलब मैं एक दिन लेट लेके आऊँगा वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मतलब टीम इंडिया विन हो चुकी है तो उसका एक गेम प्ले लेके आएंगे काहे पे, अपना कैरम पुल टेबल पे जो क्रिकेट का न्यू इवेंट चल रहा है। तो कैरम क्रिकेट वाला जो अभी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैंने जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में बोला था जब ये न्यू अपडेट आया था तो भाई मैं इसमें गेम प्ले नहीं करने वाला हूँ। पर गाइस मैंने क्यों गेम प्ले लेके आया आज, क्यों भाई अपने टीम इंडिया भी सेमीफाइनल विन कर चुकी है, तो मैंने बोला चलो भाई उसकी खुशी में भाई जो वनडे वाला अपना कैरम क्रिकेट वाला जो न्यू इवेंट है उस पर गेम प्ले लेके आएंगे। तो आज लेके आ चुके गाइस, बस अपने को एक दूर मैच दूर है गाइस, ठीक है ना, अपने टीम इंडिया को फाइनल विन करने के लिए सिर्फ एक मैच दूर है बस, और वो 19 तारीख को देखेंगे फाइनल किसके साथ होने वाला है गाइस। आप लोगों ने भी कल का मैच देखा हो तो यार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो मैं भी देखना चाहता हूँ भाई कितने क्रिकेट लवर है अपने कैरम पुल के इसके अंदर प्लेयर्स के अंदर, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे देखो मैं अंधा खेल रहा हूँ, क्योंकि जब इसमें अंधा खेले बाद ही अपनी कॉइन स्पोर्ट होती है ज़्यादातर। अगर आप सीधी कॉइन मारने की ट्राई करोगे ना यहाँ पे तो सीधी कॉइन स्पोर्ट नहीं होंगी, सिर्फ अंधा ही खेलना पड़ेगा तुमको पड़म में, जैसा कि अपन बोलते हैं शॉट। तो यहाँ पे देखो भाई अभी फिलहाल मैं टॉप लेवल में इसमें खेल लेता हूँ, एक कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ, जो पोर्ट करने गया था वो तो नहीं हुई पर दूसरी पोर्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ। और ये टेबल बहुत हार्ड था, आपको बोला था मैंने भाई मैं गेम प्ले लेके नहीं आऊँगा, पर चलो भाई अभी जो सेमीफाइनल विन किया अपनी टीम इंडिया ने उसकी खुशी में ये न्यू अपडेट का जो गेम है उसका लेके आया हूँ मैं। और भाई फुल वॉच करना है आप लोगों ने गाइस, ठीक है ना। और गाइस आपको क्या लगता है भाई किसके साथ अपना फाइनल होने वाला है, टीम इंडिया के साथ किसका, मतलब ऑस्ट्रेलिया या तो फिर साउथ अफ्रीका, दोनों में से किसका फाइनल होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताना भाई किसके साथ होने वाला है, तो मुझे भी पता चले भाई आप लोगों की जो प्रेडिक्शन है भाई किसके साथ फिट बैठती है और कौन परफेक्ट जवाब देता है, तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और चलो गाइस यहाँ पे फिलहाल मैं टॉप लेफ्ट में एक कॉइन, टॉप राइट में भी एक कॉइन पोट हो जाती है बहुत ही अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखो गाइस ये थोड़ा सा यहाँ पे आसान बन जा रहा है गेम, क्योंकि भाई सीधे सीधे कॉइन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे मुझे, तो मैं सीधे सीधे जो भी कॉइन मिल रहे हैं मुझे वो पोट कर रहा हूँ मैं, और टॉप लेफ्ट में सॉरी इसको टॉप राइट में, और इसको भी टॉप राइट में पोर्ट करे बाद यहाँ पे देखो किस तरह से मैं कॉइन पोर्ट करते जा रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये वाली कॉइन को धक्का लगाना था, छः नंबर मतलब सिक्स नंबर वाला जो पॉइंट से अपना उससे अपना पूरा गेम ही विन कर लेंगे। चलो कोई नहीं, फिर भी विन कर चुके अपन, फॉल तो हुआ था अपना, तो कोई नहीं यहाँ पे गेम विन कर लेगा। इससे भी एक ही बार अपने को जेम्स लगी 30, अब मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा भाई जेम्स अपने को फिर से ना लगे 30 जेम्स, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे पहला शॉट मैंने मिस करा यहाँ पे, तो टॉप लेफ्ट में इसको पहले पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कोई कटआउट नहीं होने वाला गाइस, जो मिस करा हूँ वही दिखाऊंगा आप लोगों को, और जो पोर्ट अच्छी तरह से करा वो भी दिखाऊंगा, मिस वाला भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो कोई कट नहीं होने वाला है, पूरा इवेंट कंप्लीट करेंगे भाई इसी गेम प्ले में। यहाँ पे चलो मैं टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ। अब यहाँ पे जो कॉइंस थे मेरे पूरे फंस चुके थे, पर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ देखो आप लोग, यहाँ पे कनेक्शन जा रहा है टॉप राइट में, तो प्यार से मैं इसको टॉप राइट में एक कनेक्शन जाले चल जाता अपना अच्छी तरह से। अभी छः नंबर को पहले पोर्ट कर लेता हूँ भाई, सिक्स नंबर को यहाँ पे गेम अपन विन कर लेंगे। तो चलो भाई यहाँ पे गेम विन कर चुके चलते हुए नेक्स्ट गेम प्ले में, और यहाँ पे देखो अब क्या करूँगा, जो कनेक्शन है उसको खेलूँगा, थोड़ा सा क्रॉस खेलता हूँ अभी, बाकी कॉइन भी थोड़ा सी निकल जाए शायद, तो निकल भी गए अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट में जो अपने कॉइन से पोर्ट करते जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो चलो अब सीधा सीधा खेल लेता हूँ इस वाले कॉइन को सीधा सामने, फिर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कनेक्शन, उसको थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा। चलो भाई परफेक्ट यार पोर्ट हो चुकी है कॉइन अपनी, अब इसको भी खेल लेता हूँ भाई, ठीक है ना। एक पॉइंट पर क्या होगा यहाँ पे मिस कर लेता हूँ मैं, कोई नहीं अभी बहुत सारे अपने पास चांस बचे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पड़म खेलूंगा। देखो कैसे है, देखो अंधा खेला हूँ ना तो कॉइन पोर्ट हो रही है, और सीधा खेल रहा हूँ तो कॉइन मिस हो रही है। आप लोग देखो यार मैं पूरा अंधा खेला और कॉइन भी ऑटोमेटिकली पॉकेट हो चुकी है, और भी गेम भी विन कर लिया मैंने। चलो कोई नहीं, फिर से अपन गेम पे लगाते हैं, और यहाँ पे देख रहा किस तरह से मैं कॉइन को पोर्ट करूँगा। अब यहाँ पे एक पड़म शॉट खेलने वाला हूँ, ध्यान से देखना आप लोगों ने। यहाँ पे टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ इजीली आराम से। चलो यहाँ पे सीधे जो कॉइन्स है उनको पहले पोर्ट करूँगा, ये पहले फोर को पोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे तीन पॉइंट्स को पोर्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। और भाई लगभग अपने कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, 21 मतलब 17 पॉइंट्स हो चुके हैं अपने को, हर मैच में 25 पॉइंट चाहिए बस गाइस, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला, अभी मुझे 5 पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको टॉप लेवल में पोर्ट करके, और यहाँ पे फॉल भी हो जाता, चलो कोई नहीं, यहाँ पे कॉइन तो पोर्ट हो चुकी है अपनी। अब यहाँ पे मैं इसको देख रहा था पोर्ट करने का अंधा खेलने का, पर कुछ नहीं होता, यहाँ पे फिर से मैं अंधा खेलता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं होता है, अब यहाँ पे भाई प्यार से खेलना पड़ेगा टॉप राइट में, क्योंकि तीन चांस अपने यू ही अपने गंवा दिए, और यहाँ पे एक ये पोर्ट हो जाती है। अगर आपकी कॉइन
फ्रेम में फंसी हुई ना गाइस, तो ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट आप लोग पोर्ट करोगे तो पोर्ट हो जाएंगे अंधा खेल के। आजू बाजू कॉइन रही तो भी वो पोर्ट होना थोड़ा चांसेस कम है। अगर जब फ्रेम में चिपकी हुई कॉइन तो उसके चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं पोर्ट होने के। फिर यहाँ पे टॉप फ्लेम में इसको पहले पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पोर्ट होगी अपनी कॉइन अच्छी तरह से, टॉप फ्लेम में इसको भी पोर्ट कर लेता हूँ। मतलब एक ही पॉइंट पहले पोर्ट कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे कनेक्शन मार लेता हूँ इजिली बहुत ही अच्छी तरह से। अब टॉप फ्लेम में इसको मारूंगा। और गाइस यहाँ पे मुझे मज़ा तो बहुत आया अभी इस टेबल पर गेम प्ले करने में, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं गेम प्ले कर रहा था इस टेबल पर। और भी जितने सारे मेरे इवेंट्स आए थे इसके कैरम पुल के, ठीक है ना, मतलब कैरम क्रिकेट के, तो मैंने इसको नहीं खेला था। और यहाँ पे देखो इंडायरेक्ट पोर्ट करा गाइस। मैंने क्या बोला आप लोगों को, अगर आपकी फ्रेम में चिपके हुए कॉइन रही ना, आप किधर भी मारो पोर्ट होने वाली है, जैसे कि मैंने अभी मारा हो। तो चलो भाई अभी थोड़ा सा पहुँच चुकी है अपन आखिरी तक, और आपको बॉक्स भी ओपन करके दिखाएंगे बेस के वाले, ठीक है ना, तो मिस मत करना। चलो मैं यहाँ पे एक और कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था अभी थोड़ा शॉर्ट, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ इसको इंडायरेक्ट खेलने की ट्राई करता हूँ। पर कॉइन तो श्योर हो जाती है पर कॉइन पोर्ट नहीं हो पाती। और भाई ये क्या सीन, अब देखो गाइस मैंने सीधा सीधा मारा था पर कॉइन अपनी पोर्ट नहीं हुई। चलो इसको मैं मार लेता हूँ टॉप लेप में, मतलब सीधा। अब इसको पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक और कॉइन है 6 नंबर, मतलब 6, ठीक है ना। यहाँ पे इसको पोर्ट कर लेता हूँ मैं और इसको इंडायरेक्ट खेल के। और गाइस आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ आ रहा हूँ, अभी जुकाम बहुत खतरनाक हुआ वाला गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, फिलहाल इस वाली कॉइन को इनडायरेक्ट पोर्ट करूँगा टॉप और राइट में। और यहाँ पे 6 नंबर मिल चुके अपने को, और यहाँ पे 6 पॉइंट्स मिले बाद ये गेम को अपन इजीली विन कर लेते हैं। चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले पे। अभी 3 मतलब 2 ही टेबल अपने खेलना है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसको भी पहले पोर्ट कर लेता हूँ, और इसको भी कनेक्शन लगा के पोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी कनेक्शन को मार लेता हूँ, और अच्छी तरह से यहाँ पे कुछ कॉइन रिलीज कर लेता हूँ। तो इसको मारने बाद यहाँ पे थोड़ा सा और भी श्योर हो जाती है अपनी कॉइन। तो सीधे सीधे जो कॉइन्स थे गाइस उसको मैं पहले पोर्ट कर लेता हूँ। अब इसको भी खेल लेता हूँ टॉप फ्लैप में, और थोड़ा सा कॉइन अपने रिलीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मारे बाद यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, सिर्फ 3 नंबर का जो कॉइन है उसको निकालना था। चलो अभी इसको कनेक्शन मारे बाद 6 नंबर का कॉइन्स निकल चुके हैं। 6 पॉइंट्स को मैंने पोर्ट करे बाद ये गेम फिर से विन कर लिया हूँ। अब चलते हुए ये लास्ट गेम प्ले होने वाला है शायद अपना, ठीक है ना। तो चलो अभी इस वाले को गेम को फिनिश करते हैं। सीधे सीधे जो कॉइन्स थी उनको पोर्ट करने की ट्राई करा था पर यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, कोई नहीं। तो टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ। अब यहाँ पे सीधे सीधा कॉइन्स जो है अपने को वो पोर्ट करना है गाइस, बाकी कुछ भी नहीं करना है सीधा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉइन्स अपने को नहीं लगाना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला आप लोगों को, सिर्फ अपने 30 जेम्स एक्स्ट्रा लगे जो मैंने स्टार्टिंग में पहले ब्रेक हाँक दिया था, ठीक है ना। और चलो कोई नहीं, इसको मैं कट मारने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे कट आराम से मार लिया मैंने। और भाई ये बोर्ड पे फॉल होने के बहुत चांसेस है, आपको तो पता है। अब देखो यहाँ पे मैंने अंदाज़ा खेला गाइस, ठीक है ना, इनडायरेक्ट खेला, और ये कॉइन अपनी इजीली पोर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हाउस भी मैंने मिस कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, लग रहा है मुझे। अब भाई अपने को लगने वाले जेम्स, लो भाई अब लग चुके गाइस पहले गेम में और लास्ट गेम में, मतलब किस्मत ही ख़राब है भाई। मतलब पहले गेम में भी जेम्स लगे और लास्ट गेम में भी अपने को जेम्स लगे, कोई नहीं अब नहीं लगा दूंगा गाइस, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको भी डायरेक्ट पोर्ट करने की ट्राई कर रहा था पर यहाँ पे फिर से नहीं हुई भाई। मतलब लास्ट गेम क्यों इतना बुरा हाक रहा होगा यार, मैं इतना खतरनाक मिस। अब इसको देखो इंडायरेक्ट पोर्ट करा होगा गाइस, ठीक है ना, अपने 6 पॉइंट्स को। और देखो यहाँ पे इजीली कॉइन पोर्ट हो चुकी है अपनी, और यहाँ पे फॉल भी हो चुका है। तो अब मैं सीधा सीधा खेलूंगा भाई, 2 चांस बचे और यहाँ पे गेम विन कर लेते हैं भाई अपन। मेरे ख्याल से अब लास्ट गेम प्ले था ये शादी है। हाँ चलो गाइस ये अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब भाई आप लोगों को बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए भाई क्या ओपन होता है अपने को। तो मुझे तो लगता है भाई एक भी पक ओपन नहीं होने वाले, स्टैगर तो अपने को मिलने वाला शायद, स्टैगर सिर्फ पक्स मिलना चाहिए अभी। स्टैगर अपने को बहुत सारे ओपन हो चुके हैं, और गाइस पक ओपन होने का बहुत ही इंतजार कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ पे अपनी एक भी पक ओपन नहीं हो रही है अभी इवेंट में, ठीक है ना। चलो कोई नहीं यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर ओपन हो जाएगा। और इस वाले बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ। अभी 5 दिन या कितने दिन बाकी है शायद मेरे ख्याल से, और भी ये इवेंट भी चले जाने वाला है अभी कुछ दिन के बाद। तो चलो भाई चले गया तो कोई गरज नहीं, क्योंकि भाई मैं इतना गेम प्ले कर रहा नहीं हूँ इस टेबल पे। और भाई चले भी गया तो अपने क्या करना है भाई, ये देखो न्यू स्टैगर के ओपन हो चुका है अपना, और भाई इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने पूरा ओपन कर चुके हैं। तो गाइस यार आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो यार प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो कल एक और वीडियो के साथ मिलता हूँ आप लोगों को मैं। तो अभी के लिए गाइस यार बाय, कल एक और वीडियो के साथ आप लोगों को मिलने वाला हूँ। तो कल का वीडियो मत मिस करना, लाइव स्ट्रीम भी करने वाले कल अपन। वैसे कल तो अपना छुट्टी का दिन होने वाला है मेरा, ठीक है ना, तो कल लाइव स्ट्रीम दबा के करने वाले। तो चलो कल एक और वीडियो के साथ मिलूँ।